हेलो एवरीवन, और आज हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक्चुअली ये जो कहानी है ना, ये नेल्सन मंडेला जी ने खुद से लिखा है। मतलब बेसिकली ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। देखो, अफ्रीका को 300 साल से वाइट रूल कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कंट्री में एपार्थाइड सिस्टम लागू कर रखा था। इस सिस्टम में बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में। मतलब कि वाइट्स के पास सारे राइट्स होते थे, लेकिन ब्लैक्स के पास कोई भी राइट्स नहीं होता था। ना ब्लैक्स वोट कर सकते थे, ना आवाज़ उठा सकते थे, और ना ही पब्लिक फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते थे। और इवन वाइट्स के साथ ब्लैक काम भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमारे जो नेल्सन मंडेला जी हैं ना, वो इस एपार्थाइड सिस्टम को के अगेंस्ट क्या किए, आवाज़ उठाते। लेकिन उन्हें फिर 27 साल के लिए क्या किया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। फिर 1994 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होती है, जिसमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मतलब ANC 400 सीटों में 252 सीट से जीत हासिल करती है। और इस पार्टी के लीडर्स होते हैं नेल्सन मंडेला जी। एंड इसके बाद ही नेल्सन मंडेला जी को फादर ऑफ द नेशन का टैग दिया गया। एंड ही ऑल्सो बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका। और जो कहानी आज आप सुनने वाले हो, ये सब इसके बाद की है, ठीक है। 10 मई 1994 मतलब 10 मई 1994 अफ्रीका में एक बहुत बड़ा इनोग्रेशन सेरेमनी होने वाला था, जिसमें 140 कंट्रीज़ के वर्ल्ड लीडर्स और पॉलिटिशियन आए हुए थे। और वहाँ पर 1,00,000 से भी ज़्यादा वाइट, ब्लैक और कलर्ड पीपल आए हुए थे। सारे मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। और इस दिन नेल्सन मंडेला ओथ लेने वाले थे और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले थे। ये जो सेरेमनी था ना, ये एक यूनियन बिल्डिंग विक्टोरिया में होने वाला था, जो कि बहुत ही लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में होने वाला था। पिछले कई डिकेड्स तक वाइट्स ने ब्लैक पर रूल किया, लेकिन आज ये प्लेस रेनबो जैसा दिख रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग नेशन के लोग आए हुए होते हैं। क्योंकि साउथ अफ्रीका में पहली बार एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी। अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि वो एक लवली सा ऑटम का दिन था, और उनके साथ उनकी बेटी जिनानी भी थी। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया, और उसके बाद थैबो एम्बेकी को फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। एंड लास्टली नेल्सन मंडेला जी का टर्न आया। उन्होंने प्लेस लिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और वहाँ के लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। अब साउथ अफ्रीका में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और ना ही कंट्री में कोई वोटी होगा। साउथ अफ्रीका में अब से कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, चाहे वो वाइट हो या ब्लैक हो। कुछ देर बाद साउथ अफ्रीका के फाइटर जेट्स हेलीकॉप्टर ऊपर आसमान में अपना प्रदर्शन करतब दिखाते हैं, और शोल्डर वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं डिफरेंट फॉर्मेशन करते हैं। और ये सभी चीज़ें केवल लॉयलिटी एंड पीस दिखाने का एक तरीका होता है। इससे कुछ देर पहले साउथ अफ्रीका के जनरल और पुलिस ओथ लेते हैं कि वे इस न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट के प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे। अब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जो लोग उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं, वही लोग उन्हें कुछ दिन पहले अरेस्ट किया करते थे। अब कुछ ही देर बाद एक इम्फाल जेट आसमान में रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन स्मोक छोड़ता है, और ये साउथ अफ्रीका के फ्लैग को डोनेट करता है। इस दिन साउथ अफ्रीका में दो नेशनल एंथम गाए जाते हैं। वाइट अपना नेशनल एंथम एंड नेकोसी सिकेल आई अफ्रीका गाते हैं, और ब्लैक डाई स्टेम गाते हैं। हालांकि हमें ये पता चलता है कि ब्लैक्स लोगों को अपना नेशनल एंथम ढंग से याद तक नहीं था। मतलब कि उनके घर ऊपर जो ये दबाव डाला जा रहा था, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, इसके कारण जो ब्लैक्स थे वो अपना नेशनल एंथम तक भूल चुके थे। लेकिन नेल्सन मंडेला को पता था कि ये जो सारे वर्ड्स हैं वो दिल से याद होंगे। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि उन्हें अब साउथ अफ्रीका का पास्ट याद आ रहा है, कि कैसे 20th सेंचुरी में एंग्लो वार हुआ, जिसमें वाइट्स ने ब्लैक्स पर विक्ट्री हासिल कर ली और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज कर दिए उनके खुद के लैंड और कंट्री में। इसकी वजह से एक ऐसी सोसाइटी बनी जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्स और क्रूएल थी। लेकिन 20th सेंचुरी के एंड तक सारे हार्स लॉज के को ख़त्म कर दिया गया, और एक नई साउथ अफ्रीका का जन्म हुआ। इस दिन नई साउथ अफ्रीका के लिए थाउजेंड ऑफ पीपल ने अपनी लाइफ को खो दिया। इस एपार्थाइड सिस्टम की पॉलिसी ने सोसाइटी पर बहुत ही गहरी और लंबी चोट दी, जिसे भूल पाना बहुत ही मुश्किल है होगा। फिर मंडेला जी कहते हैं कि मुझे कुछ लोगों के बारे में पता है जिन्होंने मुझसे पहले एपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, जैसे कि ओलिवर टैबो, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथली, यूसुफ डैडोस, प्रैम फिशर्स और रॉबर्ट सोबाक्वस। वैसे अफ्रीकन सॉइल के नीचे बहुत ही मिनरल्स हैं, बहुत सारे डायमंड्स हैं, लेकिन इसे लोगों से बड़ा हीरा शायद ही अफ्रीकन सॉइल में कभी पैदा हुआ हो। ये सभी लोग तो डायमंड से भी ज़्यादा प्योर हैं। फिर वो करेज का मीनिंग बताते हुए कहते हैं कि एक साहसी इंसान वो नहीं होता है जो डर नहीं, जिसे डर नहीं लगता है। एक साहसी इंसान वो होता है जो डर के ऊपर अपना जीत हासिल कर ले। कोई भी इंसान जन्म लेता है तब वह ये नहीं जानता है कि वो काला है तो इसके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना है। बट धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसे सिखाया जाता है कि उसे हेट करना है। तो इसलिए जब हम इनको हेट करना सिखा सकते हैं, तो क्या हम उन्हें प्यार करना नहीं सिखा सकते हैं?
फिर इस पार्ट का जो मेजर पार्ट होता है जिसमें नेल्सन मंडेला जी ट्विंस ऑब्लिगेशन वाला पार्ट होता है, जहाँ पर नेल्सन मंडेला जी ना सिर्फ अपनी फैमिली की तरफ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में बताते हैं, बल्कि ही ऑल्सो टॉक अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टावर्ड्स द कंट्री, और उन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में जो कंट्री का क्या रोल होता है इसके बारे में भी वह बात करते हैं। फ्रीडम की डिफरेंट डेफिनेशन के बारे में बताते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रीडम का बहुत ही प्यारा मैसेज देते हैं कि भाई जो आप पर अत्याचार कर रहा है वो भी आज़ाद नहीं है, और साथ साथ जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो तो डेफिनेटली आज़ाद नहीं है। तो आपको अत्याचार करने वालों से नफरत नहीं करनी है, बल्कि अत्याचार से नफरत करना है और इस बुराई को ख़त्म करना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।